एक बहुत अहम खबर आ रही है और उसकी तरफ ले जाना पड़ेगा अपने दर्शकों को। और ये अहम खबर इस बार रूस यूक्रेन जंग के मैदान से नहीं है, ये खबर एकदम पड़ोस से है। ये खबर क्या है? ये पाकिस्तान से आ रही खबर है और ये खबर बताती है कि पाकिस्तान में हंगामा और बढ़ने वाला है। ये अहम खबर देखिए, पाकिस्तान से आ रही। विपक्षी सांसद यहां पाकिस्तान में धरने में बैठ गए हैं। पाकिस्तान के सियासी संकट पर इस वक्त की बड़ी खबर देखिए। संसद के अंदर धरने पर बैठे विपक्ष के सभी सांसद, अविश्वास प्रस्ताव पर फॉरेन वोटिंग कराने की मांग। संसद में विपक्ष ने गो नियाजी गो के नारे लगाए। अविश्वास प्रस्ताव पर फॉरेन वोटिंग कराए जाने की मांग। उनको लग रहा है कि अब अविश्वास के पक्ष में, मतलब इमरान खान के खिलाफ वोट देने वाले जो लोग हैं उनको तोड़ा जा सकता है। हमारे साथ पाकिस्तान से जुड़ रहे हैं आरिफ अब्बासी साहब, उनके साथ बातचीत करेंगे, समझेंगे उनके ही निगाहों में अब इसके मायने क्या हैं। ये पड़ाव पूरे घटनाक्रम में कितना सिग्निफिकेंट है आपकी निगाहों में सर? जी सर, बहुत शुक्रिया जी, गुड इवनिंग। अच्छा, आज जो है पार्लियामेंट की कार्रवाई बावजूद अपोजिशन की गैर संजीदगी के आगे न बढ़ सकी, वक्फे सवालात के दौरान ही इजलास को 3 तारीख तक मुलतवी कर दिया गया। अपोजिशन की जो रवैया था वो इंतहाई गैर जमहूरी था, इजलास को एजेंडे के मुताबिक चलना चाहिए था। एजेंडा नंबर, अरे सर, संसद में नारे लग गए अब तो, इस पर मैं टिप्पणी चाहता हूँ आपकी, आपका रिमार्क चाहता हूँ। अविश्वास का ये माहौल बहुत गंभीर है क्या पीटीआई के खिलाफ, इमरान खान के खिलाफ? नहीं नहीं, देखे, एक जमहूरी प्रोसेस है, नो कॉन्फिडेंस में वोटिंग होनी है। 3 तारीख तक इजलास मुलतवी हो गया कानूनी तरीके से। अब अपोजिशन का हक है कि वो जो भी शोर शराबा करते हैं करते रहे, लेकिन इजलास अब 3 तारीख होगा और मेरा ख्याल है 3 तारीख को ही इस पर वोटिंग हो जाएगी और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हमें अगर 172 ना वोट हमें मिल सके तो हम अपोजिशन में बैठ जाएंगे। इट इज़ अ डेमोक्रेटिक प्रोसेस, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस। उम्मीद करता हूँ कि आपके इस बात पर दुनिया एतबार ला रही होगी। बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात कहने के लिए। 3 तारीख को दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारत वर्ष आरोप।